आज आप मेरी वेकेशन व्लॉग में भिंडी बनाना सीखें। वैसे आपको आती भी होगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट तरीके की है। मसाला भर के भिंडियाँ काट रहे हैं रूही, यहाँ पे भिंडी काट रही है। अच्छा, इनको धो के और ड्राई करके उसके बाद काटनी है आपने, तो आप इस तरह से काट सकते हैं भिंडी। ये देखें, हाँ यूं करके, हाँ यहाँ पे देखें मसाला पूरा मिक्स करके नोशीबाजी ले आई है। नोशीबाजी बताएं इसमें आपने क्या क्या डाला है। इसमें नमक, हाँ पिसी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सूखी मेथी अनारदाना और कुटा हुआ धनिया। ये अब सारा मसाला इसमें है। अब ये हमारी भिंडी यहाँ पे रेडी हो गई है, बीच में कट लगा के, सॉरी टूट गई कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब इसमें भरते जाएंगे, नोशी बाजी बता रही है इसमें फिलिंग कैसे, ये देखे ऐसे करके ऐसे फिलिंग करेंगे और इनको रखते जाएंगे इस तरह से। अच्छा, हम सारी भिंडियाँ इसी तरह भर लेंगे। मसाला सारा भर दिया है भिंडियों में हमने, ये देखें एक एक भिंडी में इस तरह से आप ये मसाला भर देंगी और अब हम इनको फ्राई करने जाएंगे। अब हम आ गए हैं किचन में और पहले हमने इस पे तेल डाल के, अभी प्याज आप देख सकते हैं कि कटी किस तरह से है। और नोशी बाजी सिर्फ प्याज और ऑयल है ना इसमें, ठीक है। अब इसको घुमा के कितना पकाएंगी आप? हाँ चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पका के इसको सॉफ्ट करेंगे हम, उसके बाद देखते हैं नोशी बाजी किस तरह बनाती हैं। अब इसमें हमने टमाटर डाले हैं बारीक कटे हुए। अब टमाटर के बाद इसमें लाल मिर्च डाली है। अब लाल मिर्च के बाद अब हल्दी पाउडर, अच्छा हल्दी पाउडर डाल लिया। अब क्या डालेंगे? धनिया पाउडर, ठीक है यस, और साबुत जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरा वाइट वाला। अब इसको बस, और कोई मसाला डालना है? नमक डालना है। अच्छा नमक डालना है, और ये नमक डाल लिया इसमें और इसको अब पकाएंगे। टमाटर और मसालों को थोड़ा सा हमने पकाया है, देख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, ये हमने इनको पकाया, थोड़ा सा पकाया है, पानी जज्ब हो गया है सारा टमाटर का। अब इसमें हम भिंडियाँ डालेंगे जिसमें हमने मसाला भरा था। बाकी और कुछ डालना है भिंडियों के साथ? अभी अभी इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा मिला के, हाँ हल्की आंच पे रखेंगे, दम पे रख देंगे, मतलब स्टीम पे रख देंगे इसको। अच्छा जी, तो अब हम इनको थोड़ा सा घुमा के और स्टीम पे रख देंगे हल्की सी आंच करके। बाजी देखें, ये देखें इतनी सी स्लो, बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच पे इसको दम पे रख दें आप स्टीम पे, और फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से कैसे बनी है, क्या लुक आया है, टेस्ट भी बताऊंगे कितना है। टेस्ट तो डेफिनेटली अच्छा आएगा, नोशी बाजी ने बनाया है, शी इज़ एन एक्सपर्ट। स्टीम पे हमने इसको बिल्कुल गला दिया है पका के, और इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी कि दिल कर रहा है अभी खा लूँ। अब खाएंगे डेफिनेटली, ये डिनर के लिए बनी है एंड मुझे वेजिटेबल सब्जियाँ बहुत पसंद है। अभी हम इसमें हरा धनिया ऊपर से गार्निश करेंगे, ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो डालें, नहीं अच्छा लगता तो ना डालें, बट बहुत यम्मी। और ये देखें सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हो गई और ये सिर्फ स्टीम पर बनी है। हरा धनिया और हरे मिर्च, उनसे तो और ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, तो ये ऑप्शनल है अगर आपने डालना है तो। और बहुत प्यारी एंड ज़बरदस्त सी स्मेल है इसकी, ये देखें। और इसके बाद अगर थोड़ा सा स्टीम पे रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप निकाल के सर्व कर लें, खाएँ और मुझे बताइएगा अगर आपने बनाया तो टेस्ट कैसा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।